हेलो एवरीवन, वेलकम टू GK24 एंड आई होप आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज जो है सेशन में हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, अभी जो है जुलाई तक जो है अगर बात करें तो 7 महीने कंप्लीट हो गए हैं 2023 के, राइट। तो इस पूरे 7 महीनों में जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स रहे हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड हो, किसी भी पर्सनैलिटी को मिला हो। और इसके अलावा हम थोड़ा स्टैटिक भी देखेंगे, मतलब ऐसा भी पढ़ेंगे कि कौन सा अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है, क्योंकि कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मतलब ये पावर पैक सेशन होने वाला है आपके लिए, नो डाउट। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर एडू। तो देखो, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि हम सभी उन फील्ड को देख लें जहां से अवार्ड दिए जाते हैं, फिर कौन सा अवार्ड कौन से फील्ड से बिलोंग करता है, तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, बात करें ऑस्कर की तो ये दिया जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, ठीक है। दादा साहब फाल्के भी सेम फिल्म इंडस्ट्री में, ग्रामी अवार्ड म्यूजिक इंडस्ट्री में, पुलित्जर अवार्ड जर्नलिज्म एंड लिटरेचर में, अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स की फील्ड में, बॉले अवार्ड एग्रीकल्चर में। ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि ये जो है लोगों को नहीं पता होता और कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो थोड़े अनहर्ड होते हैं, ठीक है। तो बॉले अवार्ड जो कि एग्रीकल्चर में मिला जाता है, कलिंगा साइंस में मिलता है और इसको कौन प्रेजेंट करता है, यूनेस्को। धनवंतरी अवार्ड मेडिकल साइंस में, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दैट इज इन साइंस। नोबेल प्राइज 6 डिफरेंट कैटेगरीज में दिया जाता है, जिसमें से पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस। ऑलराइट, एबल प्राइज मैथमेटिक्स, मर्लिन प्राइज मैजिक, भारत रत्न जो है किसी भी फील्ड के अंदर जो भी हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन करता है, चाहे वो आर्ट हो, साइंस हो, पब्लिक सर्विस हो या स्पोर्ट्स हो, उसको दिया जाता है। व्यास सम्मान लिटरेचर, बिहारी अवार्ड लिटरेचर, सरस्वती सम्मान लिटरेचर, मैन बुकर प्राइज लिटरेचर, वचपति सम्मान संस्कृत अवार्ड लिटरेचर, परमवीर चक्र, गोल्डन ट्राय, जूलियट क्यूरिया अवार्ड पीस में दिया जाता है। नेक्स्ट में देखें द्रोणाचार्य अवार्ड। अब देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स में तो दिया जाता है, बट स्पोर्ट्स कोचेस को दिया जाता है, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड याद रखना। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी अवार्ड, लिटरेचर का होता है, कालिदास सम्मान क्लासिकल म्यूजिक में दिया जाता है और मध्य प्रदेश का है पर्टिकुलर ये। तानसेन अवार्ड म्यूजिक का होता है, पंपा अवार्ड यानी कि कर्नाटका का, आपने सुना होगा पंपा का नाम जो है न्यूज में बना रहता है कर्नाटका से रिलेटेड, तो कर्नाटका का हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड होता है पंपा, ठीक है। नेक्स्ट है कनकश्री अवार्ड, तो आपको याद रख लेना है कि कनक से या फिर कर्नाटका से आपको याद रह जाएगा, ये भी लिटरेचर अवार्ड होता है। अवध, अवध कहां पे, यूपी में, और यूपी के अंदर ये दिया जाता है। नेक्स्ट है गोमंत विभूषण अवार्ड जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, कहां का, गोवा का। नेक्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड जो कि स्पोर्ट्स में दिया जाता है, पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा। नंदी अवार्ड जो कि तेलुगु सिनेमा में दिया जाता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का ये तरीके से अवार्ड होता है, जो क्या होता है, नंदी अवार्ड। नेक्स्ट है तानसेन सम्मान, पता चल रहा है क्लासिकल म्यूजिक। कबीर सम्मान अवार्ड लिटरेचर, कुमार गांधर्व अवार्ड क्लासिकल म्यूजिक, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स में, इंदिरा गांधी प्राइज जो कि पीस में दिया जाता है और किसी भी तरीके के क्षेत्र के डेवलपमेंट में दिया जाता है। नेल्सन रोहिलाला मंडेला प्राइज जो कि ह्यूमैनिटी या फिर सोशल एक्टिविटीज में अगर कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको दिया जाता है। आनंद कुमार स्वामी फेलोशिप जो दिया जाता है दैट इज इन लिटरेचर। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारे के सारे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होते हैं हमारे इंडिया के। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र हमारे गोलेंट्रा अवार्ड यानी कि वीरता के पुरस्कार होते हैं। इसके बाद बात करें रमन मैक्स अवार्ड की जो कि क्या होता है, अलग अलग 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। कहां से दिया जाता है, ये फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट की बात करें आगा खान आर्किटेक्चर प्राइज, तो ये आर्किटेक्चर में होता है। एंड वी आर डन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन, या फिर हम बात करें कि अब जो है हमारे 2023 के अवार्ड्स एंड ऑनर्स की जो लिस्ट है अब वो चल पड़ी है। तो देखो सबसे पहली न्यूज है कि पीएम को जो है हाल ही में लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है, कहां पे, पुणे में, ठीक है। अब देखो लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है ये पुणे के अंदर इनको दिया गया है, और अब ये जो अवार्ड है ना ये ऑलरेडी कई सारी पर्सनैलिटीज को मिल चुका है, उसमें से है इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल बजाज, तो आपके सामने लिस्ट दे रखी है। साइरस एस पूनावाला को लास्ट मिला था और उसके बाद हमारे जो है पीएम मोदी जी इनको भी लोकमान्य तिलक अवार्ड से नवाजा गया है। आगे देखते हैं, रतन टाटा जो है अभी हाल ही में उनको क्या मिला है, उद्योग रत्न अवार्ड मिला है। तो देखो यहाँ पे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इनको जो है रतन टाटा, टाटा ग्रुप के चेयरमैन, इनको महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवार्ड दिया है, ठीक है। क्यों दिया ये अवार्ड, क्योंकि ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जो हमारी जीडीपी या फिर उद्योग को या फिर बिजनेसेस को काफी बड़े लेवल पे लेके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो है इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है, इकोनॉमी को बूस्टअप मिलता है। तो यहाँ पे उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया है रतन टाटा जो कि क्या है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन, ठीक है। आगे देखते हैं,
बाइकुला रेलवे स्टेशन को जो है यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड मिला है। सबसे पहली बात तो ये कि बाइकुला रेलवे स्टेशन है कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रेलवे स्टेशन है ये है मुंबई में, और अभी हाल ही में इसको मिला है यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड, ठीक है। आगे देखते हैं, गुजरात जो है अभी फिल्म फेयर अवार्ड जो है 2023 में होस्ट करेगा, और उसका कौन सा एडिशन होगा, वो होगा 69th, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा एक और बात बताओ कि गुजरात को एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज गिफ्ट सिटी, और गिफ्ट सिटी से रिलेटेड आपसे पूछा गया है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कि गिफ्ट सिटी कौन सा सिटी को कहा जाता है, तो याद रखना गुजरात को। नेक्स्ट है, JKRLM विंस स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर मार्केटिंग एवेन्यूज टू SHGs। तो देखो SHGs क्या होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो यहां पे जो है JKRLM मतलब जम्मू एंड कश्मीर रूरल लिवलीहुड मिशन रिसीव, ठीक है। यहाँ पे जो एक तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, जिसको स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि जो उन्होंने SHGs जो होती है ना उनकी बहुत अच्छे से मार्केटिंग की है, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, प्रोफेसर थालापिल प्रदीप विंस द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एनी अवार्ड। तो यहाँ पे जो है प्रोफेसर थालापिल प्रदीप, इनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने एक अवार्ड प्रेजेंट किया है, दैट इज एनी अवार्ड, ठीक है। अब ये जो एनी अवार्ड है ना, ये उस फील्ड में दिया जाता है अगर कोई भी पर्सन है जिन्होंने एनर्जी और एनवायरमेंट से रिलेटेड फील्ड के अंदर रिसर्च की है, तो और हाईएस्ट रिसर्च की है और कुछ अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, तो उनको दिया जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो हम आगे मूव कर जाते हैं। प्रेसिडेंट जो है इंडिया की, वो जो है प्रेजेंट करी है, मतलब किया है उन्होंने भूमि सम्मान अवार्ड 2023 का। अच्छा, भूमि सम्मान अवार्ड जो है किसने प्रेजेंट किया, आपको पहली बात तो ये याद रखना है कहां पे किया है, तो ये विजय विज्ञान भवन न्यू दिल्ली के अंदर किया है। जब ये प्रेजेंट किया था तो 9 स्टेट सेक्रेटरी 68 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये अवार्ड जो है दिया गया है। आगे देखते हैं, पीएम मोदी को अगेन एक और अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड। ये किसका अवार्ड है, ये है फ्रांस की गवर्नमेंट का हाईएस्ट अवार्ड। तो यहां पे फ्रांस की गवर्नमेंट ने भी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा है हमारे पीएम मोदी को। चलो आगे याद रखते हैं। अब देखो भारत रत्न की बात कर ले, जो कि हमारे इंडिया का सबसे सर्वोच्च कहते हैं ना, मतलब सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ये ना, तो ये हमारा भारत रत्न होता है। तो भारत रत्न से मतलब रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले जो भारत रत्न दिया गया था वो 1954 में दिया गया था, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले किसको दिया गया था, तो वो है सी राजगोपालचारी, और दूसरे जो दिया गया था वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और फिर थे सीवी रमन। तो आपको बस ये तीन याद रखने, स्टार्टिंग के एंड देन बाकी के सभी पर हम नजर डाल लेते हैं, सो दैट आपको ये पता चल जाए। अच्छा देखो, नजर क्यों डालना है, इसके पीछे मैं आपको लॉजिक बता देता हूं, क्योंकि कई बार ना एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं अवार्ड से, ठीक है। अगर बात कोई ये जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होते हैं इससे रिलेटेड, तो आपसे एक तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको चार जो है ऑप्शन दिए जाएंगे, और पूछा जाएगा कि ये अवार्ड जो है भारत रत्न वो इनमें से किस पर्सनालिटी को मिला है। ये तो बहुत हो गया नॉर्मल सा क्वेश्चन। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके सामने जो ऑप्शन है वो चार दे रखे हैं, लेकिन वो चार ऑप्शन जो है चार पर्सनैलिटी के नाम है। अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी वो पर्सनैलिटी है जिनको अवार्ड जो है नहीं मिला है, कौन सा अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड या फिर कोई भी दूसरा अवार्ड। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको एक बार के लिए तो ये सारे के सारे नाम पढ़ लेने, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाने कि कौन सा है पर्सन कौन सा नहीं, आप एलिमिनेट करके इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो फटाफट से एक बार इस लिस्ट को देख लेते हैं। तो सीवी रमन के बाद जिनको भारत रत्न मिला था, तो वो था 1955 में, तो वो थे भगवान दास, फिर उसके बाद एम विश्वेश्वरैया, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, उसके बाद बिपिन चंद्र रॉय, पुरुषोत्तम दास टंडन, इसके बाद मिला था 1962 में राजेंद्र प्रसाद को, 1963 में जाकिर हुसैन को, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को, 1971 में इंदिरा गांधी को, 1975 में वीवी गिरी को, और 1976 में के कामराज को, 1980 में मदर टेरेसा को, और 1983 में विनोबा भावे, और 1987 खान अब्दुल गफ्फार खान, 1988 एम जी रामचंद्रन, 1990 बी आर अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला, विनोबा भावे, इसके बाद 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, That we have already covered, तो आगे move कर जाते हैं। 1991 में राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई को मिला, 1992 में अब्दुल कलाम आजाद, JRD टाटा, और उसके बाद सत्यजीत रे को मिला, और उसके बाद 1997 में आ जाते हैं गुलजारी लाल नंदा, अरुणा असफ अली, उसके बाद 1998 में मिलता है MS शुभ लक्ष्मी, उसके बाद चिदम्बरम सुब्रमण्यम,
99 में मिलता है जयप्रकाश नारायण को, अमर्त्य सेन को, गोपीनाथ बरदलोई को, रविशंकर को। 2001 में मिलता है लता मंगेशकर जी को, बिस्मिल्ला खान को, और 2009 में भीमसेन जोशी, 2014 में सीएन राव एंड सचिन तेंदुलकर, एंड देन 2015 में मिलता है मदन मोहन मालवीय जी को, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी। 2019 में मिलता है प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिके। तो वी आर कंप्लीटेड विद द लिस्ट। आई नो ये बहुत ज्यादा फास्ट किया है हमने, लेकिन आपको जो है मोटिव यही बताना है कि आपको जो है लिस्ट को 2-3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा एटलीस्ट, सो दैट ये चीजें आपके दिमाग में रहे, एटलीस्ट पर्सनालिटी के नाम आपके दिमाग में रहे। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारी अगली न्यूज जो है। लालिनजुआला चांदतेर जो है उनको अभी IFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन फुटबॉल टीम के जो है मिडफील्डर लालिनजुआला चांगते जो है उनको अभी AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ये तो बात की हो गई मेंस की, अब बात करें वुमेन की, तो वो है मनीषा कल्याण जिनको सेकेंड बार यानी कि दूसरी बार इस अवार्ड से नवाजा गया है, जिनको टाइटल मिला है वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है ब्रिटिश चिल्ड्रन राइटर माइकल रोसेन अवार्डेड द पेन प्रिंटर प्राइज, सॉरी पेन प्रिंटर प्राइज 2023। यहाँ पे देखो आपके सामने जो पर्सन दिख रहे हैं ये चिल्ड्रन के राइटर परफॉर्मिंग पोएट, इनका नाम है माइकल रोसेन, अभी हाल ही में इनको पेन प्रिंटर प्राइज से नवाजा गया है। ठीक है, चलो, और ये जो अवार्ड है ये यूके, आयरलैंड और कॉमनवेल्थ जो है ये सारी बॉडी मिलके देती है। आगे देखते हैं बॉक्सिंग चैंपियनशिप, हमारी मैरी कॉम जो है ग्लोबल इंडियन आइकॉन में जो है अपने खुद को रिप्रेजेंट किया है। तो स्पोर्टिंग लेजेंड और इंडिया की पहली एवर गोल्ड ओलंपिक मेडलिस्ट वुमेन बॉक्सिंग मैरी कॉम जो है उनको अभी हाल ही में ऑनर किया गया है ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट देखते हैं प्रिया AS रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर। यहाँ पे जो है प्रिया जो कि एक तरीके से क्या है चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए पोएट है, और अभी हाल ही में इनको साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिला है। याद रखना साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार जीतने वाली कौन सी महिला है, तो वो है प्रिया AS। चलो आगे देखते हैं पीएम नरेंद्र मोदी को फिर से एक और अवार्ड मिलता है, और वो है इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर जिसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द नील अवार्ड। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको उन्होंने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रेजेंट किया है 2022 का 2023 का। क्यों, किसको किया है, तो हमारे देश के जितने भी नर्सेज है ना जो बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करती है टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी, टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड टू ऑल द पेशेंट्स आउट देयर, उन सभी को उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को एक तरीके से रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है अभी हाल ही में जो हमारी प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उन्होंने ये अवार्ड दिया। आगे देखते हैं तो ये सारे के सारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो 2023 में दिए गए वो सारे के सारे ये हैं अलग अलग स्टेट से अलग अलग नर्सेस को। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार रीडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं एमिनेंट पोएट आचार्य गोपी टू बी कन्फर्ड विद फर्स्ट प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड। जो एमिनेंट पोएट है यानी कि एक रिनोड पोएट आचार्य गोपी जो है इनको अभी प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड मिला है। याद रखना प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड, इनको जो है साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, तो इसलिए आपको याद रखना है और इसलिए इंपॉर्टेंट भी बन जाती है कि ये जो है आचार्य गोपी जो कि एक पोएट है, लिटरली क्रिटिक है, रेसिपिएंट है किसकी, साहित्य अकादमी अवार्ड की, अभी हाल ही में इनको प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड के लिए भी चुना गया है। चलो आगे बात करते हैं IOC ने अवार्ड यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने अवार्ड किया है किसको, WHO के डायरेक्टर टेड्रोस गेब्रेसस को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के जो हमारे क्या बोलते हैं डायरेक्टर हैं टेड्रोस गेब्रेसस, इनको हाल ही में नवाजा गया है एक अवार्ड से, और ये जो है WHO के क्या है डायरेक्टर, और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो दैट इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। आगे बात करते हैं अरुंधति रॉय जो हमारे इंडिया की बड़ी ही फेमस और बड़ी ही काबिल राइटर हैं, अभी हाल ही में इनको एक तरीके से अवार्ड मिला है 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर द बुक आजादी। इन्होंने क्या किया, इसका ट्रांसलेशन किया है, उनके एक बुक जो थी एसे के ऊपर थी आजादी, उनको ट्रांसलेशन किया है, एंड देन नाउ शी गॉट द प्राइज एज 45th यूरोपियन एसे प्राइज। नेक्स्ट इज सलमान रुशीदी विंस प्रेस्टिजियस जर्मन प्राइज 2023। सलमान रुशीदी जो है उनको अभी जर्मन पीस प्राइज मिला है 2023 का, याद रखना सलमान रुशीदी। नेक्स्ट बात करते हैं तेलंगाना की 5 जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होती है उनको ग्रीन एप्पल अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं RBI के जो चीफ है शक्तिकांत दास उनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है लंदन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड। ठीक है, चलो शक्तिकांत दास जो है कौन से नंबर के RBI के गवर्नर है, एक बार अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। आगे बात करते हैं
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है उनको सुरीनेम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। ठीक है, अभी सुरीनेम क्या है तो देखो सुरीनेम कंट्री का नेम है और वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। गोवन राइटर दामोदर मौजो जो है इनको 57th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया जाता, किस फील्ड में दिया जाता है, अभी हमने बात करी थी लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है दामोदर मौजो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से नंबर का दिया गया है, एक तो 57th का और किसको दिया गया है ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ये दामोदर मौजो को। चलो ये आपको याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट है बुल्गेरियन राइटर जॉर्जी गोस्पोंडिनोव विंस इंटरनेशनल बुक प्राइज फॉर टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर के लिए बुल्गेरियन की जो राइटर है जॉर्जी गोस्पोंडिनोव जो है इंटरनेशनल बुक प्राइज जीत चुकी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किसने जीता इंटरनेशनल बुक प्राइज, दैट इज बुल्गेरियन की राइटर जॉर्जी बाप रे क्या नाम होते हैं इसके, गोस्पोंडिनोव। ऑलराइट, तो टाइम शेल्टर जो है इनकी बुक, इनकी वजह से इनको मिला है। आगे देखते हैं, नरेंद्र मोदी जो है उनको फिर से एक और हाईएस्ट ऑनर दिया गया है, दैट इज पापुआ न्यू गिनी एंड फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड। एंड जय हो नरेंद्र मोदी की, ऑफ कोर्स हमारे प्रिय देश के प्रधानमंत्री है ही ऐसे जो इतने सारे रिसीव करना चाहिए अवार्ड, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा रिसीव करने चाहिए बिकॉज दे हैव डन ट्रेमेंडसली वेल। आप क्या मानते हो कॉमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना आपकी राय क्या है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। टाटा सन के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने जो है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है कंफर्ड किया है, तो देख लेते हैं वापस से पूरी न्यूज है क्या। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन जो है उनको दिया गया है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसको कहा जाता है कैवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर अवार्ड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जयंत नर्लिकर अवार्डेड गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2023। तो यहाँ पे जो है प्रोफेसर जयंत वी नर्लिकर उनको अभी क्या मिला है, गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है फ्रॉम द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि ASI। नर्लिकर जो है वो एक पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ASI के और फाउंडिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, तो इसीलिए उनको ये अवार्ड से नवाजा गया है फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड रिसर्च। चलो आगे बात करते हैं। कोचिन पोर्ट जो है अभी उनको सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड से नवाजा गया है। कौन सा पोर्ट, कोचिन पोर्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि अच्छा आप पहले तो आप मुझे बताओ, बहुत हो गया मेरी बातें, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है वो अभी हाल ही में कौन है, मतलब हाल ही में मतलब करंट के कौन से मिनिस्टर हैं जो अभी पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज को देखते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन भी छाप देना। अच्छा चलो आगे देखते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड मिला है। क्यों मिला इनको, क्योंकि इन्होंने जो है यूपी को एक फियर फ्री स्टेट बना दिया है। यूपी को बहुत ज्यादा मतलब कंडीशन जो है ना काफी हद तक इंप्रूव हो चुकी है यूपी की। कभी आप जाओगे, अगर आप पहले 10 साल पहले या 15 साल पहले गए होंगे और अगर आप आज जाओगे तो आप एकदम काया पलट जो कहते हैं ना वो हो चुका है यूपी। और वहां पे अब काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, काफी सारे हाईवेज बन रहे हैं, काफी सारा मतलब कह सकते हैं हर चीज में डेवलपमेंट हुआ है। तो इसी की वजह से जो है हमारे जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने क्या किया है, जो सीएम योगी जी हैं उनको इस अवार्ड से नवाजा है। आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने कंफर्म किया है 37th गोल्डन ट्रॉय अवार्ड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो कि सुप्रीम कमांडर है हमारे आर्म्ड फोर्सेस की, उन्होंने अवार्ड दिए हैं 8 कीर्ति चक्र, 29 शौर्य चक्र, किनको, जो आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में हैं हमारे तैनात पर्सनल, हमारे देश के वीर नौजवान उन्हीं को ये अवार्ड नवाजा गया। आगे देखते हैं। माइकल डुगलस जो है उनको ऑनररी पाल्मी डी ऑर एट कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड दिया गया है। चलो दोबारा से बता देता हूँ, कान फिल्म फेस्टिवल होता है, आपने देखा होगा जो अजीबोगरीब ड्रेसेस पहन के आती हैं बहुत सारी मॉडल्स वगैरह, आपने देखा होगा। तो उस कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर माइकल डुगलस को क्या मिला है, ऑनर किया गया है पाल्मी डी ऑर अवार्ड से, क्योंकि इनका जो है फिल्म जगत में काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा होगा हॉलीवुड में, तो इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है रशियन पोएट मारिया स्टेपनोवा, इनको मिला है लिप्जिंग बुक प्राइज फॉर 2023। तो ये जो है रशियन पोएट है और अभी हाल ही में इनको इस लिप्जिंग बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है। चलो अच्छा, इनकी बुक नोवेल कौन सी थी, इन मेमोरी ऑफ मेमोरी, इनकी वजह से इनको मिला है। नेक्स्ट है PGCIL विंस ग्लोबल गोल्ड अवार्ड फॉर CSR वर्क। PGCIL यानी द पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखो क्या होती है CSR, मतलब जब आप एक सोसाइटी में रहकर कुछ बिजनेस करते हो, कुछ इंडस्ट्री सेटअप करते हो, कुछ
भी करते हो तो मतलब आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, राइट? तो अब जब आप रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, आप काफी सक्सेस को अचीव कर चुके हो, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक टू द सोसाइटी इन सम और अदर वे। आप जो है हॉस्पिटल बनवा सकते हो, आप जो है कोई भी अमेनिटी क्रिएट कर सकते हो फॉर द जनरल पब्लिक। तो ये जो है ये एक तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो PGCIL ने काफी अच्छे से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी है एंड फॉर दैट दे हैव रिसीव्ड दिस ग्लोबल गोल्ड अवार्ड एंड फॉर CSR वर्क। चलो आगे चलते हैं। ये है एलेक्जेंड्रा कॉरप, जो अभी Amazon का गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि जो Amazon वाला जो पूरा एकदम एनवायरमेंट होता है, ठीक है, वहां के ब्राजीलियन Amazon की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे इन्होंने काफी सारा किस तरीके के एक्ट्स किए हैं जिससे ये फॉरेस्ट को, पूरे पेड़ पौधों को, हमारे एनवायरमेंट को कंजर्व कर सके। तो इसीलिए इनको क्या मिला है? गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज मिला है। और कहां से बिलोंग करती है ये हमारी ब्राजीलियन वुमेन है। आगे देखते हैं, दलाई लामा जो है इनको 1959 का रमन मैक्सी अवार्ड मिला है, ठीक है, मतलब 64 साल बाद मिला है। तो आपको याद रखना है 1959 का मिला है, एक तो रमन मैक्सी से अवार्ड मिला है किसको, दलाई लामा को, और कितने साल बाद, 64 साल बाद मिला है, ठीक है, तो याद रख लेना। सोनम वांगचुक जो है वो प्रेस्टीजियस संगतोगवा अवार्ड जो है उनको मिल चुका है। सोनम वांगचुक कौन है? सोनम वांगचुक एक डिस्टिंग्विश्ड इंजीनियर है, इनोवेटर है, एजुकेशनिस्ट है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफॉर्मिस्ट भी है। तो अभी हाल ही में इनको संगतोगवा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा गया है। आगे देखते हैं, राज सुब्रमण्यम जो है उनको प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है। अच्छा, प्रवासी भारतीय सम्मान मतलब जो दिवस है वो कब मनाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी बता देना, तनिक थोड़ा सा कष्ट होगा लेकिन प्लीज लिख देना जरा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आपकी रिवाइज होती जाएंगी भाई चीजें, और तो क्या है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, और ये हो जाता है हमारा द एंड ऑफ ऑल द अवार्ड्स एंड ऑनर्स दैट वी हैव रिसीव्ड इन द ईयर 2023। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये पूरा सेशन और आपने सीखी होंगी बहुत सारी चीजें। और ये जो है सारे के सारे अवार्ड्स और जो ऑनर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने काफी सारा टाइम इसमें रिसर्च में दिया है, बहुत सारे थे वैसे तो, लाइक बहुत ही सारे थे, लेकिन मैंने बहुत ही ज्यादा इसको पिक किया है, बहुत ही स्पेसिफिक और सब कुछ आपके लिए किया है। तो अगर मेरी थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, मैं यहाँ पे आपको GK24 एप्लीकेशन के बारे में बताना भूल ही गया। GK24 एप्लीकेशन आपके लिए बड़ी ही काम की एप्लीकेशन होने वाली है। वाई? क्योंकि यहाँ पे आपको मैं जो है डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स देता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यही नहीं, सिर्फ इसके अलावा बहुत सारी चीजें, देखो क्या कि मैं जो है करंट अफेयर जो दे दिया ना आपने पढ़ लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देता हूं सो दैट आप ये चेक कर सको आपको कितना याद रहेगी चीजें। और तो और यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबसे रिलेटेड आपको कॉन्टेंट मिलेगा। एंड सबसे बड़ी बात, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी, ठीक है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्पेशली डिजाइन फॉर एवरी वन ऑफ यू टू मेक योर प्रिपरेशन इवन मोर स्ट्रॉन्गर। तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको बस एक बार टैप करना है, इसको डाउनलोड कर लेना और जिंगा लाला। तो आई होप आपको मजा आया होगा वीडियो में। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे ऐसे किसी टॉपिक के बारे में जो आपकी प्रिपरेशन को बनाए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग।